वो मुझे गायब पैसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। हर बार खुद की गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। अगर उससे कुछ होता है तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराऊंगा। गाइज, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेजेस करते हैं किसी को जिम्मेदार ठहराना या फिर किसी को जवाबदार ठहराना। चलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश जान लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल्ड समवन रेस्पॉन्सिबल, होल्ड समवन रेस्पॉन्सिबल, और यू कैन से होल्ड समवन अकाउंटेबल, होल्ड समवन अकाउंटेबल। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देने सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज कर देने मेन वर्ब। यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है होल्ड, इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे कि मी, यू, हिम, हर, देम, ये सब। इसके बाद आपको यूज कर देने अकाउंटेबल या फिर रेस्पॉन्सिबल, लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। वो मुझे गायब पैसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। ही इज होल्डिंग मी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिसिंग मनी, ही इज होल्डिंग मी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिसिंग मनी। हर बार खुद की गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। इट्स नॉट राइट टू होल्ड अदर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर योर मिस्टेक्स, इट्स नॉट राइट टू होल्ड अदर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर योर मिस्टेक्स। सभी को अपने स्वयं के कार्यों के लिए जवाबदार ठहराया जाना चाहिए। एवरीवन शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर ओन एक्शंस, एवरीवन शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर ओन एक्शंस। अगर उससे कुछ होता है तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराऊंगा। इफ एनीथिंग हैपेंस टू हर आई विल होल्ड यू पर्सनली रेस्पॉन्सिबल, इफ एनीथिंग हैपेंस टू हर आई विल होल्ड यू पर्सनली रेस्पॉन्सिबल। अब इसके लिए तुम किसे जिम्मेदार ठहराओगे? Who will you hold accountable for this now? Who will you hold accountable for this now?